नमस्कार, मैं राम निवास कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूँ खत्तर देश में किस तरह का घर बनता है। यहाँ देखिए, मेरे पीछे एक घर बन रहा है, नया कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो आइए मैं इस घर का टूर कराता हूँ, खत्तर देश में किस तरह का नया घर बनता है, इसका ब्रिक कैसा होता है, यहाँ किस तरह से रड इस्तेमाल किए जाते हैं, घर का डिजाइन कैसा होता है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बैक कैमरा को ओपन करता हूँ और घर का टूर कराता हूँ। ये देख लीजिए, घर का पूरा यहाँ पे आगे का भाग है और यहाँ मेन रोड देख लीजिए, इधर मेन रोड है। तो ये मेन रोड से देख लीजिए कितना हट के ये मेन रोड है, और उसके बाद ये बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री दिया जाता है, यानी रोड से हट के इतना बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाद भी देखिए घर कितना है, इतना गैप इन लोग का इधर कत्तर देश में बनता है, तो छोड़ के घर बनाता है लोग। और सिर्फ एक तरफ से नहीं, यहाँ साइड से भी देखिए, इतना लास्ट बाउंड्री इधर है और इधर साइड से भी देखिए इतना गैप दिया गया है, यानी इतना गैप चारों ओर से घर का, उधर से भी चारों ओर से आप घर का घूम सकते हैं। और इस तरह से देखिए इधर ज़्यादातर इधर दो मंजिला घर बनता है, जो लोकल यहाँ के शेख लोग हैं, अरबी लोग हैं, अपना रहने वाला घर दो मंजिला बनाते हैं। ऐसे तो कमर्शियल बिल्डिंग काफ़ी हाई फाई होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो चलिए इसके नीचे अंदर में चलता हूं। और ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां पे ग्राउंड फ्लोर, अरे देखिए ये ऊपर जाने का इधर से सीढ़ी है, इस तरह से डिजाइन किया गया है। काफ़ी यहां पे स्काफ फोल्डिंग लगा हुआ है, इस तरह से अभी काम चल ही रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। इधर देखिए इलेक्ट्रिकल का काम, इस तरह से पहले दीवार में ही बॉक्स बैठाया जाता है, सारा कुछ कंसील्ड होता है। ये देखिए पाइपिंग किया गया है, इस तरह से जो देख रहे हैं आप, मसाला लगाया गया है, एक दीवार कट करके पाइप किया गया है, फिर उस पर मसाला डाल दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रिकल का पाइप अंदर दीवार में पहले ही कटिंग करके दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए नीचे पाइप लगा हुआ है, ये सब एक चैनल है, प्लास्टर करते समय ये सब चैनल यहाँ दीवार के कोने पे लगाया जाता है, यहाँ ऐसे जहाँ भी दीवार का कोना है वहाँ पे इस चैनल को लगाया जाता है। और इस तरह का यहाँ पे देखिए सीमेंटेड ईंट होता है, सीमेंटेड ईंट इस तरह का होता है, अपने यहाँ का मिट्टी वाला नहीं होता है। इसको यहाँ के लोकल भाषा में अगर बोले तो तबुक बोला जाता है, तबुक बोला जाता है। और अभी काम चल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भाई साहब का अभी लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। और दादा किधर से हैं आप? आप किधर से हैं? बांग्लादेश? हाँ, इंडिया, तमिलनाडु? या तो आपका मौन जिस तरह से चुपचाप थे, तो हम समझ गए कि साउथ इंडियन होंगे, क्योंकि हिंदी भाषी लोग तो अपने आप बोलना शुरू कर ही देता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ बाथरूम का पॉइंट छोड़ा गया है, ये देखिए यहाँ ये बाथरूम का पॉइंट है, यहाँ पे ये बाथरूम होगा, और बाथरूम के बाद ये जो है यहाँ पे आगे यहाँ पे कुछ फेस वाश बेसिन वगैरह या ड्रेसिंग वगैरह के लिए यहाँ पे इस तरह से छोड़ा जाता है, लगाया जाता है। तो चलिए हम ऊपर भी चलते हैं, ऊपर का भी नज़ारा दिखाता हूँ इस तरह से। और यहाँ देखिए दादा लोग का नाश्ता हो गया सुबह का, अभी नाश्ता करके ड्यूटी कितना बजे से आप लोग का शुरू होता है? कितना बजे से ड्यूटी है शुरू आपका? सुबह 4 बजे। 4 बजे से? अच्छा, किधर से हैं आप? इंडिया से? बांग्लादेश? बांग्लादेश। मुस्लिम? कितना साल हो गया कतर में आप लोग का काम करते हुए? 5 साल हो गया। अच्छा, 12 साल। कतर कैसा है? अच्छा है? अच्छा है। बाकी कंट्री दुबई से, सऊदीया से वगैरह? उधर नहीं गया ना। उधर नहीं गए, यहाँ आगे दिल लग गया यहाँ बिल्कुल। मैं भी यहाँ 10 साल हो गया और बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कहीं दूसरा कंट्री ट्राई ही नहीं किया। तो चलिए आप लोग नाश्ता कीजिए थोड़ा, और मैं हाउस टूर कराता हूँ इधर अपने ऑडियंस का। ये देख लीजिए ये इस तरह का डिजाइन, इधर भी देखिए यहाँ पर भी बाथरूम है। तो इन लोगों के घर में कई बाथरूम होते हैं, जिधर जिधर रूम है उधर स्पेशल बाथरूम छोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ भी इस तरह का डिजाइन, ये देखिए घर का काफ़ी बड़ा बड़ा हॉल इधर छोड़ा जाता है, और काफ़ी इन लोग के घर में रास्ते होते हैं, चारों ओर से बाहर निकलने का रास्ता होता है। यहाँ पर भी देखिए सब गजब गजब का डिजाइन है, ये भी देखिए
यहाँ भी देखिए सब में ग्लास लग गया, इतना बड़ा बड़ा जो छोड़ दिया गया है ग्लास। देखिए मैं बोला था कि इन लोग का चारों ओर से घर के चारों ओर से बाउंड्री से काफ़ी दूर घर बनाया जाता है। तो ये देखिए इधर ये बाउंड्री कहाँ कितना दूर है, कितना दूर इधर बाउंड्री है और फिर भी देखिए चारों ओर से इधर गैप दिया जाता है। ये सब जितने भी ये दरवाज़ा देख रहे हैं यहाँ पर दरवाज़ा ग्लास का लगेगा, इतना बड़ा बड़ा चारों ओर से इन लोग अपना घर के चारों ओर से भीड़ को देखते हैं, नज़ारा को देखते हैं। इस तरह का ईंट देखिए यहाँ सॉकेट लगा है, ये इसमें इलेक्ट्रिकल का सॉकेट पावर सॉकेट बनेगा और ये पाइप छोड़ दिया गया है, बाद में सब नीचे मिलान होगा। ये सब यहाँ पर भी सॉकेट है, तो इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन भाई लोग इस तरह से देख लीजिए। इधर इस तरह का कंसील्ड वायरिंग होता है, ये सब दीवार काट करके और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ब्लर हो जा रहा है कभी कभी, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिकल का ये सब स्विच लाइट का बॉक्स यहाँ लगाया गया है, इसमें कटिंग करके यहाँ पर नीचे पाइप छोड़ा गया है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का बालू जो अपने यहाँ होता है, अपने सारा बालू उधर से ही आता है लेकिन अपने यहाँ से भी शानदार क्वालिटी का इधर बालू होता है जिसको यहाँ के भाषा में रंबल बोलते हैं। ये देखिए इधर इस तरह का प्लाईवुड घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इतना कीमती कीमती प्लाईवुड ये सब ऐसे ही इसमें लगाया जाता है शैटरिंग के लिए। देख रहे हैं ना ये सब जितना भी शैटरिंग लगा है, ये सब प्लाईवुड का पहचान आपको दिख रहा होगा ये सब। तो छोटा घर अगर दो मंजिला एक मंजिला है तो इस तरह से प्लाईवुड का फर्मा बनाया जाता है या पाँच मंजिला तक, नहीं तो कुछ लोग ज़्यादा हाई राइज जो बिल्डिंग होता है ऊँचा ऊँचा उसमें फर्मा जो है अलमुनियम का बना दिया जाता है। यहाँ पर भी ऊपर जाने का सीढ़ी है यहाँ, तो चलिए हम ऊपर का कुछ ए साइड का नज़ारा दिखा देता हूँ। इधर भी देखिए इधर जो है इधर रूम बनाया गया है जो इस घर में काम करने वाले ड्राइवर होंगे, कुक होंगे, वर्कर होगा, ये सब के लिए बनाया गया है। इधर रूम साइड से देखिए ये सब दिया गया है, ये सब रूम जो है इस घर के वर्कर लोग के लिए इधर रहने के लिए है ना। और इस घर में ऑनर का हो सकता है इधर किचन भी बनेगा खाना बनाने के लिए, बाहर भी होता है इन लोगों का किचन और एक घर के अंदर भी होता है। चलिए मैं कुछ ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर भी सीढ़ी है, आपने दूसरा सीढ़ी तो देखा बीच आंगन में, इन लोगों का कई ऊपर जाने के लिए कई कई सीढ़ियाँ होता है। तो यहाँ से मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर से फिर नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए व्यू, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, एक फ्लोर और ऊपर है। तो देखिए यहाँ गोलाकार यहाँ पे इस तरह का ये मेन पॉइंट है आंगन का, इसमें जब डिजाइन बनेगा रेलिंग बनेगा तो फिर इसकी खूबसूरती निखर के सामने आएगा। तो यहाँ देख लीजिए ये ईंट है, यहाँ तीन साइज का ईंट आता है। ये देखिए पतला वाला है शायद वो 3 इंच बाई 20 इंच इसका साइज है, एक आता है यहाँ चौड़ा ये 10 इंच इंटू 20 का होगा ये, और एक और पतला आता है। तो ज़्यादातर इस तरह का ही सीमेंटेड ईंट होता है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर से नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए ये घर बनने में जितने सब लकड़ी वगैरह इस्तेमाल किया गया था ये सब इधर फेंका गया है। इधर भी देखिए सामने में तो अरबी का घर है, इधर भी देखिए यहाँ अभी कुछ कुछ बन ही रहे हैं इस तरह का घर। कतर देश में इस तरह के यहाँ के अरबी के घर होते हैं, लोकल घर होते हैं, ये देखिए इस तरह से बन के तैयार है। तो यहाँ पर भी देखिए एक और दूसरा फ्लोर ऊपर है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम कतर देश से रिलेटेड हर तरह के ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।